दोस्तों पहले ही वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम की इतनी बुरी हार को देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया दिग्गज बुरी तरीके से बौखला चुके हैं और पिच से छेड़छाड़ को लेकर खिलाड़ियों तक पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए कुछ ऐसा कह दिया उन्होंने कि सुनकर हर कोई दंग है। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के सभी दिग्गज क्या बोले एक एक करके आपको हर किसी का बयान दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान तीनों में सबसे बेहतर टीम सबसे बेहतर देश कौन सा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एशिया कप में परचम लहराने के बाद अब अपनी धरती पर भारतीय क्रिकेट टीम ने जीत का आगाज कर दिया है, वो भी उस देश के सामने जिससे हर कोई खौफ खाता है, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम, जिनका दबदबा आईसीसी टूर्नामेंट्स और बायलेटरल सीरीज में सबसे ज्यादा माना जाता है। उनके मुख्य खिलाड़ी आज हमारे कम प्राइमरी खिलाड़ियों के आगे भी पानी भरते नजर आए। आपको बता दें तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत आज से मोहाली के मैदान से हो चुकी है। वैसे तो रोहित पांड्या और कोहली इस पूरे दो मैचेस के लिए टीम से गायब हैं, लेकिन तब भी दोस्तों केएल राहुल की कप्तानी ऐसी रही कि वाकई में आप मान जाएंगे उन्हें। उन्होंने कैप्टनसी में टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और नई गेंद के साथ गेंदबाजों का सिलेक्शन बड़े सटीक ढंग से किया। उन्होंने शमी को ज्यादातर तौर पर शुरुआती ओवर्स दिए, जिसका नतीजा ये रहा कि शमी इतना निखर कर आगे निकले कि एक नहीं दो नहीं पूरे 5-5 विकेट ले गए। इनफैक्ट जब कैमरन ग्रीन का रनआउट भी गिन लिया जाए तो पूरे 6 विकेट उनके नाम हो गए। आपको बताएं दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से केवल वार्नर चमके जिन्होंने 52 रन लगाए, इनके अलावा कोई और खिलाड़ी हाफ सेंचुरी तक भी नहीं पहुंच पाया और इसका सबसे बड़ा कारण मोहम्मद शमी ही थे जिन्होंने स्टीवन स्मिथ को 41 रन पर बोल्ड किया। दोस्तों शमी ने ही स्टोइनिस को 29 पर भी बोल्ड किया था और मैथ्यू शॉट को भी 2 रन पर आउट कर इन्होंने अबॉट को भी आउट किया 2 रन पर। अब ये सब विकेट शमी के नाम थे जिसके दम पर हमने 276 पर ऑस्ट्रेलिया को रोक दिया था और 270 का टारगेट कुछ ज्यादा बड़ा था नहीं क्योंकि एक चेसेबल ग्राउंड था। ऊपर से मैदान में आकर ऋतुराज गायकवाड़ व शुभमन गिल ने 71 व 74 रन जड़ दिए थे, तो जीत तो कंफर्म हो गई थी, बस विनिंग रन निकलने बाकी थे जो निकले केएल राहुल कप्तान और सूर्यकुमार यादव के बल्ले से। दोस्तों केएल राहुल ने जहां 58 रन की नाबाद पारी खेलकर छक्का जड़कर भारत को जिताया, तो वहीं मुश्किल वक्त में सूर्य भी 50 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर गए और इस तरीके से हम मैच को 49वें ओवर की 4थी गेंद पर जीत गए थे। ये जीत पूरी दुनिया को एक ऐसा पैगाम है वर्ल्ड कप से पहले जिसको हर कोई महसूस कर रहा होगा, क्योंकि दोस्तों इस बार का विश्व कप तो भारत का है ही, लेकिन अपनी टीम को हारता हुआ देखकर इस तरीके से वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया दिग्गज बुरी तरीके से बौखला गए हैं और एक एक ने भारतीय खिलाड़ियों से लेकर पिच की कंडीशंस पर सवाल उठा दिए हैं। किसने क्या कहा है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि रिकी पोंटिंग ने अपने बयान में कहा, वनडे सीरीज की ऐसी शुरुआत होगी वो भी हमारी टीम की सोचा नहीं था। मोहाली का मैदान ऑस्ट्रेलिया के लिए हमेशा अनडिफिटेड मैदान रहा है, लगता है कि इस बार की कंडीशंस भारतीय टीम को कुछ ज्यादा ही फेवर कर रही थी, तभी तो हमने एक डिसेंट स्कोर बनाने के बाद भी उसे बचा नहीं पाए। उम्मीद है अगली बार ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसा नहीं करेगी। हर बार शमी का लक और बाकी खिलाड़ियों की बल्लेबाजी तो काम नहीं आएगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है अगला मैच हम जीतेंगे। दोस्तों ब्रेटली ने कहा, इस बार के लिए तो आपको जीत मुबारक हो भारतीय क्रिकेट टीम, लेकिन जिस तरीके से पिच को बनाया गया था वो साफ तौर पर दिख रहा था। पहली इनिंग्स में गेंदबाजों को आपके विकेट मिले लेकिन हम उसे डिफेंड नहीं कर पाए, ये सरासर गलत है, लेकिन हर किसी को हम एडवांटेज होता है। मुझे उम्मीद है वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर्म वापस पाकर इस सीरीज को जीतने का प्रयास करेगी। दोस्तों साथ ही साथ एडम गिलक्रिस्ट ने भी लिखा, क्या मुकाबला था, ये दर्शा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आईना देखिए, अब भारतीय क्रिकेट टीम के सामने हार रहे हैं जबकि उनके मुख्य प्लेयर नहीं खेल रहे, या तो कुछ गड़बड़ है या फिर आप वाकई में परफॉर्म करना भूल गए हैं, बेटर रहेगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें। भारतीय टीम को जीत की मुबारकबाद। और दोस्तों यहां तक कि एडम गिलक्रिस्ट ने तो यह भी कह दिया, भारतीय सरजमीं पर जीतना अब तो वाकई में मुश्किल है, एक तो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर से पिच की कंडीशंस भी उन्हें कुछ ज्यादा ही समर्थन कर रही हैं। खैर ऑस्ट्रेलिया हारी है तो हार उन्हें स्वीकार करनी होगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलियन टीम लड़कर इस सीरीज को जरूर जीतेगी। दोस्तों लगता है कि ऑस्ट्रेलिया दिग्गज भी अपनी टीम की हार को स्वीकार नहीं सकते, तभी तो इस तरीके से बौखला रहे हैं, पिच पर इल्जाम लगा रहे हैं और खिलाड़ियों पर भी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है ये सीरीज कौन जीतेगा भारत या ऑस्ट्रेलिया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।